पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जयंती समारोह में करनाल पहुंची हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पहुंची करनाल जाट धर्मशाला में कांग्रेस द्वारा स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में पहुंची कुमारी शैलजा ने कहा कि आज करनाल में साथियों की इच्छा से पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हम सब ने मिलकर आज उनकी जयंती मनाई है। वहीं कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गांधी परिवार की जो सिक्योरिटी वापस ली है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पूरा कांग्रेस परिवार गांधी परिवार की सिक्योरिटी है। जब उनसे पूछा गया कि कल कैबिनेट में सरकार ने मंत्रियों के मकानों का किराया और भत्ते बढ़ाए गए हैं तो उनका कहना था कि प्रदेश और देश में महंगाई बढ़ रही है। आज हमने करनाल में साथियों की इच्छा थी कि हम इंदिरा जी का जन्मदिन यहाँ पर मनाएं, तो हमारे साथियों ने यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मुझे बहुत खुशी है कि आज ना केवल हम कांग्रेसी अपनी बात कह रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे दो वक्ता आए, निर्मोही जी आए, राम मोहन राव जी आए। उन्होंने इंदिरा जी के बारे में बहुत सी बातें सुनाई हमें और हम सब इंदिरा जी के जीवन से प्रेरणा लेकर जिस तरह से वो हर चुनौती का सामना करती थी, हम सभी कांग्रेसी आज उनसे प्रेरित होकर यही संकल्प लेकर जा रहे हैं कि हम भी उसी तरह से हर चुनौती का सामना करेंगे और सभी लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे। ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि जिस तरह से इस परिवार ने देश के लिए बार बार कुर्बानी दी है, उस बात को, उस कुर्बानी को नज़रअंदाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस परिवार के सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया है, उसको डाउनग्रेड किया है। लेकिन देश इस परिवार के साथ है, सब कांग्रेस जन इनके साथ हैं। ये केवल यही दिखाता है कि इस सरकार की भारतीय जनता पार्टी की कितनी छोटी सोच। मैम, कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें जो आवास होता है मंत्रियों के लिए 50,000 से बढ़ाकर 80,000 कर, और एक तरफ महंगाई की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये केवल महंगाई नहीं, यहाँ प्रदेश का हर नागरिक आज के दिन त्रस्त है। आपने देखा जैसे ही ये सरकार बना रहे थे, इन्हें चिंता थी अपनी सरकार बनाने की अल्पमत में होते हुए, दूसरी ओर हमारा किसान मंडियों से बाहर कर दिया गया, मंडियों के गेट बंद कर दिए गए हमारे किसान के लिए, वो अपना धान लेकर बाहर खड़ा रहा, ना उसको कीमत मिल रही है, ना उसका धान खरीदा जा रहा है, साथ में मजदूर गरीब आदमी मारा जा रहा है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा, इंडस्ट्री का जो हाल आप देख रहे हैं हमारे पड़ोस में, पानीपत की मिसाल ले लीजिए, वैसे तो सब जगह है। तो ये जो एक आर्थिक मंदी है, इतना बड़ा संकट हमारे देश पर, प्रदेश पर आ रहा है आर्थिक मंदी से, लेकिन ये सरकार तो इन चीज़ों से दूर है, भारतीय जनता पार्टी दूर है। इन्हें ये लगता है कि इस तरह की बातें करके ये अपनी सरकार बचा पाएंगे। मैडम, आप प्रदर्शन कर रहे हो आज अम्बाला से, आपकी शुरुआत? नहीं, शुरुआत नहीं, शुरुआत तो हमारी पहले हो चुकी है, उसी में, उसी श्रृंखला में आज अम्बाला में भी है, कल सोनीपत में भी है, आज झज्जर में भी हो रहा है। तो ये हमारे हर ज़िले में चल रहा है और 25 तारीख को हमारी स्टेट लेवल की है रेवाड़ी में, और उसके बाद दिसंबर में, अभी तारीख बता देंगे, हमारे ऑल इंडिया लेवल की रैली दिल्ली में होगी। जो आर्थिक मंदी इस सरकार ने हमारे देश पर, हमारे देश के नागरिकों पर थोपी है, इनकी गलत नीतियाँ जो कि नोटबंदी से शुरू हुई, अब तालाबंदी तक आ गई, तो ये इनकी गलत नीतियों के कारण हुआ है। आज हर एक नागरिक त्रस्त है, बुरा हाल है हमारे लोगों का, जनता का, लेकिन इन्हें फुर्सत नहीं विदेशों में घूमने से, इन्हें कोई फुर्सत नहीं है, इन्हें सोचने के लिए भी, ये सोचते हैं कि जनता का ध्यान बांटते रहें, लेकिन आज के दिन हर एक को इतनी ज़्यादा दिक्कत है, रोज़गार छूटते जा रहे हैं, युवाओं को समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो ये देश को आर्थिक संकट की ओर, इमरजेंसी की ओर ले जा रही है गलत नीतियों के कारण। संगठन अभी जनवरी में
जनवरी में हमारी मेंबरशिप ड्राइव जनवरी से शुरू हो जाएगी और पूरा हमारा संगठन अच्छी तरह से हम मिलजुल कर सभी साथियों को साथ लेकर संगठन बनाएं। एक रेड की गई है चैलरों में इसी को लेकर जो आपने सवाल उठाया है दान, क्या समझते हैं आज रात भर चलती रही है? अब ये रेड इनको आज याद आई है, क्या रेड कर रहे हैं ये, इनको तो कुछ शुद्ध तो है नहीं, दिखावा करने लग जाते हैं बीच में। ऐसे इनको गृह मंत्रालय मिला उनके बाद उन्होंने छापेमारी की पानीपत के अंदर, तो आप समझते हैं कि इससे फर्क पड़ेगा प्रशासन? देखो इस सरकार को केवल दिखावा करना आता है, आप देखते हैं ये जो भी कुछ करते हैं केवल पब्लिसिटी के लिए करते हैं, इनका हर काम एक पब्लिसिटी स्टंट होता है। अगर सही मायने में कुछ ज़मीन पर नज़र आए तो बात है ना, ये तो इनकी गलत नीतियों के कारण है जो ये सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे स्टंटबाजी से क्या होगा? 5 साल सरकार चलेगी लगता है? हमको नहीं लगता, ये तो हरियाणा के जन जन कह रहा है ये सरकार कैसे चलेगी जब मत इनके खिलाफ था और अभी ये इन्होंने जोड़ तोड़ के जैसे भी कोशिश की है, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा चल पाएगा। कांग्रेस एक्टिव है, हमारे सभी वर्कर सभी नेता एक्टिव हैं और आपने देखा उसका नतीजा भी देखा, अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें कहाँ ये 80 पार की बात कर रहे थे और कहाँ इन्हें बहुमत तक नहीं मिला, सरकार यहाँ की सरकार को भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के लोगों ने नाकार दिया है।